या डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा भारत देश जो एक सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से इस समय काफी परिस्थितियों से लड़ रहा है, और जैसा आप सब इस महामारी के अंदर अपने घर पर रुके हुए हैं, स्टे सेफ, दैट विल बी ओके। और हम सब आशा रखते हैं कि जल्द ही ये सब ठीक हो जाए और वापस से हमारी जो पहले दैनिक जीवन चल रहा था ऐसा वापस से शुरू हो जाए। उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे कुछ स्टूडेंट की डिमांड रही कि सर कुछ इंग्लिश की क्लासेस आयोजित की जाए, ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें हमें कुछ प्रॉफिट मिल सके। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ कुछ अपनी क्लासेस आयोजित करूँगा। मेरे इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें, साथ को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसे फैलाने की कोशिश करें ताकि कुछ स्टूडेंट का प्रॉफिट हो सके। मैं यहाँ पर कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन जो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा 10th 11th एंड 12th के लिए, 12th में इतनी ग्रामर नहीं है बट 10th और 11th के लिए ग्रामर पार्ट तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके कुछ टिप्स और कुछ ट्रिक्स हम इजीली समझेंगे। और चलो आइए देखते हैं, हम हमारा जो फर्स्ट पॉइंट रहेगा वो रहेगा हम नरेशन के लिए। हम सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे नरेशन। गाइस, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट की शिकायत, हमेशा कंप्लेंट रहती है कि सर नरेशन तो हम स्टार्ट कर लेते हैं, नरेशन अच्छे से समझ में भी आने लग जाते हैं, पर टेंस सेंटेंस जो होते हैं इसके वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और कुछ स्टूडेंट हमारे कहते भी हैं कि सर टेंस तो हमें देखते ही माइंड जो है वो चकराने लगता है। तो टेंस जैसा कोई इश्यू नहीं होता है एक्चुअल में। टेंस जो है उसे हम लोगों ने माइंड में ऐसा क्रिएटिव कर लिया कि ये चीज हमें समझ में आने वाली नहीं है, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। टेंस जो है वो वाकई में काफी इजीली है। सबसे पहले जब बात आई हुई है टेंस की तो हम छोटा सा इसका इंट्रो कर लेते हैं। टेंस एक्चुअल में टेंस है क्या, हम टेंस को समझते कैसे हैं, हम टेंस का यूज क्या करते हैं, टेंस है क्या चीज। इसे टेंस को हम हमारे हिंदी के अकॉर्डिंग मानते हैं तो समय बोलते हैं इसको। टेंस इंग्लिश में हम कह सकते हैं द टाइम, इंग्लिश में हम टेंस को बोल सकते हैं टाइम। ये टेंस है क्या और क्यों हम इसका यूज करते हैं, कहाँ इसका यूज होना चाहिए वाकई के अंदर, क्यों हम लोगों ने इसको बनाया। तो देखो टेंस है क्या कि जब भी कोई भी काम होता है वो काम किसी न किसी पर्टिकुलर टाइमिंग के अंदर होता है, किसी निश्चित टाइम के अंदर होता है, और उस टाइम को हम सर्च करने के लिए, उस टाइम का हम पता लगाने के लिए हम यूज करते हैं टेंस का। तो हम जो है हमारा टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है और 10th और 11th के अंदर इसकी मात्रा कुछ ज्यादा ही है, और 11th के सिलेबस में तो काफी बड़ा भी है, 10th के में थोड़ा छोटा है मानते हैं लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। तो नरेशन है क्या और नरेशन क्यों बनाया जाता है, सबसे पहले हमारे लिए ये यूजफुल है नरेशन। नरेशन को आमतौर पर कुछ स्टूडेंट हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भी नाम देते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। जैसे कि बोलने पर ही पता चल रहा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट सीधा और इनडायरेक्ट से होकर। गाइस है क्या ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है, नरेशन क्या है, क्यों बनाते हैं हम लोग, क्यों इसका यूज करते हैं। तो देखो कई बार हमारे सामने सिचुएशन ऐसी डिमांड होती है कि हम पर्टिकुलर दो व्यक्ति जो होते हैं वो आपस में बातें करते हैं, फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन। कई बार क्या होता है कि उन पर्सन की बात को किसी तीसरे व्यक्ति को कहना होता है, किसी थर्ड व्यक्ति को हम लोग संबोधन करते हैं, तो वो काम जो है वो हमारा नरेशन करता है। हम इसको नरेशन को जो है नरेट भी कर सकते हैं। नरेट का मतलब हिंदी में होता है संबोधन करना, किसी को संबोधन किया जाता है तो वो नरेशन से किया जाता है, नरेट। नरेट का मतलब संबोधन करना। तो गाइस ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है सबसे पहले इनको समझते हैं। डायरेक्ट अभी मैंने आपको बताया डायरेक्ट सीधा, और इनडायरेक्ट से होकर के किसी तीसरे व्यक्ति के लिए इनडायरेक्ट यूज किया जाएगा। दो पर्सन रहेंगे हमारे पास में, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन, तो हम लोग डायरेक्ट को यूज करते हैं। यहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नरेशन के अंदर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो चीजें हमारे पास में होती है। अगर ये दो चीजें हमसे कवर अप हो जाती हैं, दो चीजों का हम अच्छे से समझ लेते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर दो चीजें हमने अच्छे से माइंड कर ली, याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा शॉर्ट एंड ट्रिक समझ लेना है। अगर ट्रिक समझ में आ जाती है तो इनको इजीली सॉल्व किया जा सकता है। फर्स्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसमें, जैसा कि मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं अबाउट द टेंस, टेंस यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड द सेकेंड इज प्रोनाउन। प्रोनाउन, प्रोनाउन जो आप हिंदी में अच्छे से जानते हैं सर्वनाम, सर्वनाम सभी नामों के साथ में या सभी नामों के लिए यूज में लिया जाने वाला प्रोनाउन। अब इस प्रोनाउन को समझने से